अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस इस व्लॉग का सीन कुछ इस तरह है कि हम जा रहे हैं विद फैमिली के साथ तो मुर्ख मोल्ले अम्मा जान बाबा जान की दरगाह। एक महीने पहले फिर गए थे तो बाबा ने फिर एक महीने पहले ही गए थे और फिर बुलावा दिया, तो फिर चलना तो बनता है, फिर इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए और चलते हैं और इन्जॉय करिए इस वीडियो को। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि सब फ्री है और लाइक एक लाइक तो बनता है एंड एन्जॉय द जर्नी। आई नो कि मैं एकदम से आता हूँ एकदम से गायब हो जाता हूँ, क्या करें, चार पांच वीडियो बना के रखे, एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा है, बहुत सारा काम भी पेंडिंग था। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो बहुत ही धमाल होने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का डीलरशिप लेने के लिए जा रहे हैं, मैं नहीं हमारे जीजू इलेक्ट्रिक व्हीकल का डीलरशिप लिए हैं मुंबई के लिए, और बहुत ही धमाल सुपर बाइक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखने को मिलेंगी। तो फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखते हैं और इन्जॉय दिस वीडियो। सी एन जी की गाड़ी तो ले ली, लेकिन सी एन जी कहीं अपने रूट पे जाने से पहले अपना आप लोग ये चेक कर लेते कि भाई सी एन जी रूट पे है कि नहीं। सी एन जी के स्टेशन बहुत कम है यार, स्पेशली अपने रूट पे जहाँ जाते हैं वहाँ सी एन जी वो नहीं मिलता। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले हम लोग सी एन जी दलवाने के लिए। तो भाई चलो आज व्लॉग बनाते हैं और आज हम लोग जा रहे हैं फिर मोरक बोल रहे। तो भाई साहब हाँ सालों लगा दिए बाबा बुलाने के लिए, इस बार बाबा ने दूसरे दो महीने में दूसरी बार बुला लिया, तो इस बार बुलावा बहुत जल्दी आ गया। तो फिर चले चलते सी एन जी दलवा ली। तो 10 रुपये 10 से 20 रुपये दरगाह के लिए फुल इनसे ले लिया। एस्टो मोर आ मोर भी चार होना उसने देखो तीन दिन से याद हो वहाँ एक बड़े बड़े नारियल अभी ₹30 में 70 रुपये ना ऐसा भी थोड़ी काम मिलता है हमारे सिटी में, रहे तो 35 रुपये यहाँ 30 रुपये ना एकदम मीठा ना जाता माल आता है। हाँ तीन दिन लग जाते हैं जाने में 24 घंटे। चलो भाई नारियल पानी ब्रेक हो गया, आप सीधा दरगाह पे मिलता है। हम लोग आए गए 53 किलोमीटर आए। नहीं, नहीं में पूरी
चलो यार अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए मज़ार, बस वो जो करते हैं और फिर चलते हैं। और ज़ियारत हो गई है माशाल्लाह, कितना अच्छा मौसम। जा रहे हैं हम लोग अम्मा जान बाबा जान के फर्जन के मज़ार पे, यहाँ से कुछ ही दूर पे। समीर हम लोग दोबारा हैं, उसका कुछ राज है, बाबा फिर से बुलाए हमना। क्या बोल, मेरा एक काम पेंडिंग था उसके आधा बुलाया था सर। हमारा भी काम पेंडिंग था, बोला फिर से आना पड़ता था मैंने, इसीलिए एक ही महीने में दोबारा हाजिरी हुई। कहाँ बरसों हमने बुलाया ही नहीं है, लास्ट टाइम बुलाया नहीं। एक महीने में दूसरी बार आ रही है हम लोग। एक महीने में? हाँ एक महीना हो गया, एक डेढ़ महीना हुआ। डेढ़ महीने में हुआ। अब फर्जन के भजन बहुजन के फर्जन के मज़ार पे चलते हैं। लास्ट टाइम लगता समीर कोई डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर हम लोग भूल गए थे। ये पॉइंट बोला देखो, लास्ट टाइम हम लोग आए थे कोई सिग्नेचर भूल गए थे या मिस्टेक हो गई थी, इस बार जो है अग्रीमेंट पूरा साइन करके भेज रही हम ना बाबा। जाओ इस बार काम तुम्हारा पूरा होता इंशाल्लाह, और फिर आना पड़ता भैया, फिर आएंगे प्रोसीजर रखा। हाँ फाइनल काम पे और एक बार प्रोसीजर रखा, उसे और एक बार बुला दिया। बैठ पे तीन चार कुत्ते हैं नीचे, पूरा आराम कर रही है नीचे। देख भैया पूरे भागे कुत्ते। एक डेढ़ महीना पहले आए थे तब हम लोग बोला था बाबा देंगे, फिर कब बुलाते हैं, तो एक महीने में बुला लिए। अब देखेंगे बाबा कितने महीने में बुलाते हैं। क्या बोल रहा है बाबू के फर्जन के बाजार पे जा रहे हैं हम लोग। एक डेढ़ किलोमीटर है तो इसने चल रहे जाती है। फर्जन के बाजार में भी होली हम लोग रिटर्न हो जाएंगे। अभी हम लोग मदीना होटल में खाना खा के, अब नेक्स्ट स्टॉप मदीना होटल है, वहाँ खाना खाएंगे। लास्ट टाइम उधर पे टमाटर पूरा वेस्ट पड़ा है यहाँ पे। शहर में है कितना किलो है, कैसा के जी? दस रुपये के जी है यार। फुटपाथ पे पड़ा हुआ है, ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 300 ಟು 400 ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ 12 ಕೆಜಿ 12 ಕೆಜಿನಾ ಓಕೆ ಪೂರಿ ಟಮಾಟರ್ ಗೆ ಕೇತಿ ಯಾ ನೈ ನೈ 12 ಕೆಜಿ ಪೂರಿ ಟಮಾಟರ್ ಗೆ ಕೇತಿ ಯಾ और ये आम की खेती, लास्ट टाइम हम लोग आए थे आम भिज भिजा रहे थे, इतने आम लगे हुए थे, अभी सब आम पूरे टूट गए। ला भैया रिचार्ज कर, भूख लग रही है। नेक्स्ट स्टॉप अपना होटल है मदीना होटल।
एंड सब्सक्राइब करो। मैं स्टोरी नहीं डाला, पूरा खाना खा लिया। हम लोगों ने लास्ट टाइम मदीना होटल में इसी जगह पे खड़े होकर एक डेढ़ महीने पहले एक वादा किया था कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो भाई जंगली मुर्गी तीतर वो सब खाएंगे, तो भाई वो वादा हुआ पूरा। तो हम लोग मदीना होटल से अभी निकले भाई साहब, एक नंबर मंदी चटपट में चाट से बहुत ज़बरदस्त है ना, मंदी तीतर और मुर्गी भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो गाइस आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। हाँ बहुत अच्छा है यार, जब तक जैसे वन स्टे कनेक्टेड।